भाई हाइट गेन की वजह से या क्या पता नहीं, सर में कुछ एक हल्की सी झनझनाहट हो रही है। यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लफड़ा लग रहा है भाई। बाप रे भाई, रोड तो लिटरली बहुत गंदी है। मतलब यहाँ से ऐसा नहीं लगता कि यार कहाँ आके फंस गए, कहीं और रहना चाहिए था, कहीं और पैदा होना चाहिए था। आज की डेट में भी इस मम्मी के नाखून और बाल वो बढ़ते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। भाई ये व्लॉग मेरे नाकों का जो लास्ट व्लॉग है उसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसी रोड पे आपने देखा था कि बहुत खराब रोड थी और उसको यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आपको रोड भी दिखाना जरूरी है ताकि उसी हिसाब से आप अपना माइंड मेकअप करो और उसी हिसाब से आप अपना जो भी तैयारी है उस हिसाब से करो। बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, गिट्टियाँ सब निकली हुई हैं। बुद्धा से प्रे कर रहा हूँ बिल्कुल गाड़ी सेफ रहे, बहुत आराम से मैं पहुँच जाऊँ। 10-15-20 बस यही स्पीड है, धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ मैं। बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग हो रही है भाई। बहुत गंदी है भाई रोड, ये तो गिट्टियाँ ऐसी निकली हुई है ना, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। इन लैंड ऑफ लामा डोंट बी गामा। जाओ जाओ, भाई साहब मैं उनको साइड दे रहा हूँ, वो मुझको साइड दे रहे हैं। रिस्पेक्ट की तो हद ही हो गई। बाकी आपने बस देखी, ऐसी ही बसें चलती हैं इस रूट पे, वॉल्वो वगैरह नहीं यहाँ पे चल पाएगी क्योंकि वॉल्वो थोड़ी ऊंची होती है जो मुझे समझ में आता है। ऊपर के जो माउंटेन है ना जहाँ से काट काट के बनाए गए, तो वो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसमें भिड़ जाएगा, इस वजह से शायद ऐसा मुझे लगता है। मैं अपना जो व्यू है वो बता रहा हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि जो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस व्लॉग को, उनको भी पता हो कि कैसी राइड होने वाली है मेरी। तो गाइस ये इस राइड को मैं ऐसा रखने वाला हूँ कि मैं यहाँ से लेकर के लद्दाख तक जो भी है एकोमोडेशन के लिए पे तभी करूँगा जब मुझको या तो फोन चार्ज करना होगा या फिर लैपटॉप में बैठ के वीडियो एडिट करना होगा, तभी मैं उसके पैसे पे करूँगा। पानी की भाई क्या इम्पोर्टेंस है, एक प्यासे से ही पूछ सकते हो आप। ध्यान रहे इस रूट पे, जब भी आप नाकों से निकलोगे तो नाको लेक के पास आपको काफ़ी पानी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लेशियर वाटर मिलेगा आपको बढ़िया, बिना उबाले आप पी सकते हो, और वहाँ पे पानी वगैरह अच्छे से आप भर लेना, क्योंकि रास्ते में मुझे नहीं लगता कि सुमदो तक कहीं पे पानी मिलने भी वाला है। तो प्यासे डिहाइड्रेट आप हो गए तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे हम हाइट गेन कर रहे हैं। बताओ भाई, भाई लोगों की लाइफ इतनी टफ है, काम करते करते मैं भी रेस्ट भी लेना है, तो अपना वहीं जहाँ पे काम कर रहे हैं उसी पत्थरों के ऊपर जैसे तैसे करके अपना सो जाते हैं इतनी धूप में। सीरियसली बता रहा हूँ, धूप ऐसी है कि स्कूटी अगर मैं खड़ी कर दूँ ना, बर्दाश्त से बाहर है। ओ माय गॉड, भाई साहब देखा आपने स्कूटी कैसे, एक्चुअली बिल्कुल मिट्टी आ गई है, जिसको हम रेत तो नहीं बोलूँगा, बिल्कुल वैसे भुरभुरी मिट्टी वो है। और गाड़ी बहुत तगड़ी डिसबैलेंस हुई थी भाई, बहुत तगड़ी डिसबैलेंस। वो तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ बुद्धा, बाय द ग्रेस ऑफ माय मदर, वो जब भी बात करती हूँ उनको पता चलता है ना कि मैं ऐसे किसी राइड पे हूँ, तो मेरी मम्मी बहुत भगवान को मानना और ओ माय गॉड देखा भाई। भाई व्यू कैसा लग रहा है, तगड़ा ना? मुझे नहीं पता कि फ़ोन आपको जो रियलिटी है उसको कितना अच्छे से दिखा पा रहा है। अल्टीमेट है भाई, इस राइड पे ज़रूर आना चाहिए 100%।
अच्छा लगता है भाई जब ऐसे कोई आपको अप्रिशिएट करता है, तो लगता है कि नहीं अच्छा है, अच्छे रास्ते पे। ट्रस्ट मी गाइस, स्कूटी इतनी ज्यादा कंफर्टेबल होती है ना, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल। अब ये ऊपर कहाँ तक जाएगी, कितना साथ देगी वो तो मुझे नहीं पता, वो तो आपको आगे राइड में पता चल ही जाएगा। बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ, स्कूटी बहुत कंफर्टेबल होती है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। अगर आप कम सामान लेके जा रहे हो तो और ज्यादा कंफर्टेबल है, अगर ज्यादा सामान लेके जा रहे हो तो भी कंफर्टेबल है ये। इस वजह से किसी को स्कूटी राइड करनी है, और अगर सक्सेसफुली मेरा स्कूटी राइड रहा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। आप व्लॉग में ऐसे ही बने रहना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो लाइक वगैरह करते रहो भाई, ठोकते रहो लाइक, कमेंट वगैरह सब ठोकते रहो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना पैसे के हैं भाई, एक रुपए भी नहीं लिया जा रहा है आपसे, आपको ये सारी चीजें दिखाने के लिए। पता नहीं 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक रोड ऐसे ही है, खचर पचर चल रहा है। अभी आगे देखते हैं और आगे कितनी दूर तक है। ओहो, इसी चीज का तो डर था, पीछे से गाड़ी आ रही है, पूरा धूल मचाती हुई जाएगी। ये देखो, कॉमन चीजें करके कॉमन मैन नहीं बनना है, कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है, अपनी गट फीलिंग देखनी है कि आप कितने कैपेबल हो। नहीं पता कितने कैपेबल हो तो आपको फिर भी कोशिश करनी है, करते करते आप कितने कैपेबल हो वो सब पता चल जाएगा। भाई ये नाको वाले व्लॉग में मैंने बोला था, तो इसमें भी बता देता हूँ नए लोगों के लिए। नाको से अगर आप काजा जा रहे हो तो भाई अगर उससे पहले ही आप पेट्रोल का जुगाड़ कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज उसके बाद कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, पेट्रोल वेट्रोल कहीं नहीं मिलेगा। अब सुमदो में या आगे कहीं पे कोई शॉप ऑफ हो वो उन्होंने ब्लैक में रखा हो तो वो आपको मिल सकता है, अदरवाइज कोई पेट्रोल पंप नहीं है, अब डायरेक्ट काजा में ही पेट्रोल पंप आपको मिलेगा। इस वजह से मैंने भी एक कंटेनर रखा हुआ है अपने साथ। कैसा कंटेनर है उसके लिए आपको लास्ट वाले नाको का जो लास्ट व्लॉग है उसमें जाके देखना होगा। बहुत पोर्टेबल है, बहुत सही कंटेनर है भाई। हाइट गेन की वजह से या क्या पता नहीं, सर में कुछ एक हल्की सी झनझनाहट हो रही है, पता नहीं शायद एल्टीट्यूड की वजह से हो रहा है या क्या है, या अभी तक कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है उसकी वजह से। ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, बहुत लाइट सा झनझन झनझन कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लफड़ा लग रहा है भाई। फिर आ गई हुई रोड खचड़ पचड़ वाली। राइड अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब धड़ाधड़ करते रहो। रॉकेट की स्पीड से इस चैनल को बढ़ाना है, क्योंकि बहुत कुछ सोचा हुआ है और बिल्कुल रॉ ही रखने वाला हूँ मैं। जहाँ मन किया वही कैंप कर लिया, जहाँ मन किया वही खा लिया, फिर अगले दिन राइड स्टार्ट कर दी, ऐसे चल रहा होगा अपना। चलो धन्यवाद। बाप रे भाई, रोड तो लिटरली बहुत गंदी है, बहुत गंदी रोड है। ओहो, तबीयत से एक्सरसाइज हो गई है। मिल गया भाई, अरे दैया रे। भाई ये लोग तो लिटरली ट्रांसफॉर्मर लग रहे हैं। यार पैकिंग कर रहा था या पता नहीं किस रीज़न से मेरे जो लेफ़्ट हैंड का थंब है वो हल्का सा उखड़ा हुआ है, तो जब भी वो टच हो रहा है ना तो दर्द हो रहा है। बस डर है कि उखड़ ना जाए, वरना पेन के मारे तो मेरी बच जाएगी अच्छे से। हार 6 किलोमीटर। इधर देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। होटल तो है भाई। आंटी खाना मिल जाएगा? हाँ मिलेगा। एक ही हूँ मैं। एक ही मिल हाँ। जाएगा। वेज है वेज है। हाँ डालो। हाँ डालो। आपको मिलेगी वो सी।
आंटी कितना हो गया? 100। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। साढ़े चार पाँच किलम सम होता है बाकी ये, बाकी इसमें हाँ नहीं एक पैकेट आता है। मैं भाई इस होटल में आया था, ये जो सामने मेरे आप होटल देख रहे हो पामा होटल चिंगो, यहाँ पे मैं आया था। और यहाँ पे मैंने अभी देखा नहीं कि रिकॉर्ड हुआ है नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ 100 रुपये में दाल चावल और रोटी सब्जी ये सब मिलता है, पेट भर के आप खा सकते हो। क्या तगड़ा व्यू लग रहा है ना, राइट साइड से स्पीति, समदु, और ये रोड कैसे कैसे जा रहे हैं हम, बस देखो आप। ये पहुंच गए भाई हम समदु। हाँ सर, कहाँ जाना? ये कोई गू करके कोई जगह पड़ती है, गू या गी कुछ ऐसे। इसमें टेंट वगैरह है, टेंट है, मैट है, ठंड। कैमरा तो चालू है। हाँ कैमरा चालू है। हाँ इसको बंद करो, यहाँ से अगर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, यहीं बंद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई समदो में एक चेक पोस्ट पड़ेगा, सेम चीज़ वहाँ पे, कुछ डिटेल्स वगैरह लेते हैं। क्या भाई पंचर हो गया? बाबा वाला पंप। किसका पंचर हो गया है? मेरे पास है, है? यूपी से आए हो? यूपी से? गाड़ी यूपी की है। कैसे आए हो? गाड़ी यूपी की है, मतलब कह सकते हो आप मैं हूँ यूपी का। वैसे देखता हवा पर क्यों ले अपना, हवा पर इन्हें सुनने तक लग गया था। ब्लॉग बनाते हो या ऐसे? हाँ भाई। क्या यूट्यूब? यूट्यूब पे। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र। YouTube पे वंडरर पाजी। इसमें क्या टेंट वगैरह रखा? टेंट है। हाँ फिर ऐसे ही सोते हैं, मजे आते होंगे यार। बहुत बहुत थैंक यू भाई। अरे कोई नहीं भाई, इतना है तो रुक जाओ हमारे पास, नहीं तुमने तो आगे पहुंचना होगा। हाँ मेरे को जाना है आगे। ये रहा भाई विलेज, ये रहा क्यू विलेज का रास्ता। बाकी गिव विलेज दिखा करके फिर मैं निकलूँगा ताबो के लिए, और आज जो मेरी कैंपिंग होगी वो ताबो में ही होगी। ये है भाई शायद आगे हम गिव विलेज आ गए हैं, कुछ घर तो दिख रहा है काफ़ी टाइम के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ही घर बने हुए हैं, बताओ भाई कहाँ कहाँ जा कर के लोग बसे हुए हैं, यहाँ पे क्या जीवन है लोगों का, कहाँ से खाना आ रहा है, क्या हो रहा है। कोई मिलता है लोकल तो पूछता हूँ उससे। वो राह सामने दिख रहा है मेरे को जहाँ पे वो मम्मी है 500 साल पुरानी, यहीं से दिख रहा है हाइट पे। यहाँ भी कैंपिंग की जा सकती है, बस ग्राउंड गीला ना हो, अदरवाइज नीचे से तो बैंड बज जाएगी, ठंड लगेगी बहुत गंदी वाली। नमस्ते जी, आप यहीं के लोकल हैं आप? ये यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा उगाने उगाने के लिए तो कुछ है नहीं, खेती वगैरह। क्या खाते हैं आप लोग, मतलब? खेत बहुत है हमारे पास। है? उसमें होता है कुछ अनाज? अनाज होता है? अनाज होता है, मटर होता है, आलू होता है। अच्छा, बंद गोभी? अरे बाप रे, सब आता है, सब होता है यहाँ पे, फिर तो बढ़िया। और सेब भी होता है? सेब भी होता है, सेब भी कम होता है हमारे पास, मेन होल्डिंग में हम गांव का। अच्छा अच्छा, कहाँ से आया? मैं तो अभी नाको से आ रहा हूँ। नाको का रास्ता ठीक है? ठीक ही है, थोड़ा सा गड़बड़ है बट ठीक है, धीरे धीरे आ गए अपना। बढ़िया आंटी, आप बचपन से यहीं पे हैं? आप बचपन से यहीं पे हैं? बचपन से नहीं, हम शादी करके आए मान्य से। अच्छा शादी करके, कहाँ से आए आप? मान्य से। अच्छा 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 अच्छा। हाँ घूमने, मैं तो यही जा रहा था, जो मम्मी है ना वही देखने आया था। और गांव बस इतना ही है? कितने परिवार होंगे यहाँ पे, मतलब कितने घर होंगे? 40 40 घर होंगे। हाँ बहुत काम है। अच्छा लगता है आप लोग को यहाँ पे? अच्छा लगता है क्या? हमारे गांव, हमारे पेड़ लगते हैं ना। वो तो है। हाँ मतलब यहाँ से ऐसा नहीं लगता कि यार कहाँ आके फंस गए, कहीं और रहना चाहिए था, कहीं और पैदा होना चाहिए था,
ऐसा नहीं आता दिमाग में? नहीं आता दिमाग में, क्या होना, पानी तो मिलता है, खाना तो सब मिलता है। हाँ हाँ, ये रास्ता वो है ना आंटी? हाँ ठीक है, थैंक यू। ये भाई कुछ व्यू इसका देख लो चारों तरफ का, फिर देखते हैं मम्मी। ये बंद है क्या जहाँ पे मम्मी है? बंद है, खोल दो उधर। अच्छा, खोल के फिर बंद कर देना। ओके ओके ओके। सामने आपको दिखा देता हूँ, ये मॉनेस्ट्री है, बट ये मॉनेस्ट्री बंद है। ये सामने मॉनेस्ट्री है। क्या ही मतलब मैं ऊपर जाऊँ, मुझे ताबों के लिए निकलना है। अंदर जो मम्मी आपने देखी वो सांगा तेंजिंग एक बुद्धा थे जो कि मेडिटेशन के मुद्रा में बैठे हुए हैं। और हुआ क्या था कि 1975 के आसपास भूकंप आया था और यहाँ पे 6 स्तूपा थे, उनमें से वो सारे स्तूपा गिर गए क्योंकि यहाँ पे चेक पोस्ट है। जो आर्मी वाले थे उन्होंने अपने बंकर को ढूंढने के लिए खुदाई की तो उसमें से ये उनको मम्मी मिली। और इस मम्मी का पता जब आपके कैलिफोर्निया, यूएसए, कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट लोगों को पता चला, इस पर रिसर्च किया। ये शायद 2002 या 2003 की बात है, यहाँ पे वो आए, इस पर रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि ये जो मम्मी है ये 1430 से ऐसे ही मुद्रा में बैठी हुई है। एक और अमेजिंग फैक्ट है, आज की डेट में भी इस मम्मी के नाखून और बाल वो बढ़ते हैं। बाल का तो मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, आप देखना, उसके थोड़े थोड़े से बाल हैं वो अभी भी हैं और वो बढ़ते हैं। और नाखून वगैरह वो तो हाथ वगैरह पता नहीं कैसे ढका हुआ था तो वो नहीं दिख पाएगा। और ये पहले मम्मी ऐसे खुली रहती थी, ओपन में होती थी, तो होता क्या था कि लोग उसको टच करते थे, टच करने की वजह से वो डैमेज होती थी, वो झड़ने लगती थी, तो उसकी वजह से इसको ऐसा बॉक्स में रख दिया है, अभी ग्लास के बॉक्स में। आओ आप यहाँ पे विज़िट करो, आप देखो मम्मी अपने इंडिया में, वरना तो लोग इजिप्ट वगैरह जा रहे होते हैं मम्मी देखने के लिए, इंडिया में भी अगर है तो आपको आना चाहिए, वो देखना चाहिए। तो या गाइस, बस इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना।